आई एम सॉरी बेटा, कल रात मैंने जज्बात में आकर तुम्हें थप्पड़ मार दिया। इट्स ओके। मैंने अपने दिल की बात आपसे कहनी थी तो कह दी, आपने जो फैसला लेना है आप ले लें। मेरा फैसला कल रात तुम सुन चुके हो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, भूल जाओ उस लड़की को। अदील, दुनिया में लाखों लड़कियां हैं, तुम्हें महरूख की बेटी मिली थी। क्यों? कोई और लड़की क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी दुश्मन की बेटी है। वो लोग जिनसे आप दोस्ती भी निभाना चाहती हैं और दुश्मनी भी बरकरार रखना चाहती हैं। तुम ये बातें अभी नहीं समझ सकते। महरूख और समद की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई है। अगर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ ना थामा होता, एक दूसरे को सहारा ना दिया होता, तो आज पता नहीं हम लोग कहाँ होते। लेकिन आखिर क्यों? क्यों कोई किसी की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद करने पे तुला होगा? अदील, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। मैं देख रही हूँ उस लड़की ने तुम्हारे सोचने और समझने की सलाहियत खत्म कर दी। लेकिन मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस बार अगर आपने मेरा रिश्ता रमन से नहीं कराया तो मैं कोई एक्सट्रीम फैसला लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। तुम्हारा तो एम कुछ और था, आगे पढ़ना था, फिर इन चक्रों में क्यों पढ़ रहे हो? देखिए, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप जो करना है आप कर लें, वरना मैं खुद उनके घर जाकर अपना रिश्ता मांग लूं। तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा नहीं करोगे। अदील, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अदील, अदील, तो बिल्कुल ही पागल हो गया। रमल कहां से आ गई बीच में?